नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। और आज आपके सामने हूँ मैं कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में जो हमारे नेचुरल हैं और हमारी बॉडी को बिल्कुल फिट रखने के लिए ज़रूरी है। तो बहुत ही आसान है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में करते रहते हैं, लेकिन प्लांट का यूज़ भी होना चाहिए, किसी पेड़ का यूज़ होना चाहिए, तो उसका यूज़ हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहचान के आखिर उसकी पहचान क्या है, नाम, फिर पहचान कराएंगे पूरी तरह से, फिर उसका कौन सा पार्ट हम यूज़ में ले सकते हैं अपने सेहत के लिए। आइए, तो दोस्तों ये देखिए, आज जो हम बताने वाले हैं, हमने बताया है आज अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल क्या होती है? बीमारियों की काल होती है। सैकड़ों बीमारियां आपके शरीर से जो हैं ये बिल्कुल गायब कर देती है। ये देखिए, ये अर्जुन की छाल है, ये रेड कलर में, ये देखें इस तरह से उतारी हुई है। और इसका कुछ पार्ट हमें लेना होता है, एक छोटा सा पार्ट हमें डेली रूटीन में आपको पानी में बॉयल करके या पानी में भिगो के रात भर रखिए और इसके बाद आपको पीना होता है। और सेहत जो है आपकी बिल्कुल सही रहती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, शुगर है, इन सभी चीज़ों को और भी न जाने कितनी बीमारियों को ये कंट्रोल करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको बिल्कुल दुरुस्त रखता है, फिट रखता है। तो ये देखिए, ये अर्जुन की छाल है, ये पहचान कर लें, ये ताज़ी छाल है और इससे बनाया गया, ये देखिए, ये जो हमारा लिक्विड काढ़ा है या इसका जो जूस है वो है छाल का। तो इसका जो नेचुरल कलर है, इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कुछ ही 10 मिनट पहले ही हमने रखा है। अगर रात भर इसको भिगो के रख दें और सुबह पिएं तो पूरा एक्सट्रैक्ट निकल आता है इसका और बिल्कुल डार्क कलर का ये हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स आप जान लें कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या नर्वस सिस्टम डाउन रहता है, थके थके से, टूटे टूटे से रहते हैं, तो उनमें ये बहुत ही कारगर होने वाला होता है। और कोलेस्ट्रॉल की, हार्ट की प्रॉब्लम तो सभी को आजकल रह रही है, तो ऐसे केस में जो अबव 40 है उनके लिए तो कंपलसरी हो जाता है कि अबव 40 जिनका एज हो गया है उनको ये लेना चाहिए एक बार सुबह सवेरे खाली पेट। और आप देखेंगे कि 2 दिन में ही आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जो थके थके टूटे टूटे रहते थे वो चीज़ आपके फिट रहनी शुरू हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल को, बीपी को, शुगर को धीरे धीरे ये कंट्रोल में ले लेता है नेचुरल तरीके से, बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होने देता। तो अब हम चलते हैं कि ये छाल तो आपने देख लिया लेकिन ऐसे पता नहीं लगेगा, तो ये प्लांट क्या है, आखिर प्लांट कैसा होता है, ये देखिए। ये कुछ अमरूद जैसा पत्ता होता है, आप देखें तो ये देखेंगे, ये अमरूद जैसा पत्ता होता है इसका, लेकिन अमरूद नहीं होता। और अमरूद में क्या है, इस तरह का नहीं, थोड़ा सा पत्ता जो है अलग रहेगा लेकिन शेप ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है आपको। इसकी सबसे बड़ी पहचान पत्तों से तो आप कर ही लें, खैर इस तरह से तीखे पत्ते होते हैं, लेकिन गलतफहमी आपको लग सकती है, इसका पेड़ बहुत मोटा और बहुत ऊंचा, मतलब कम से कम 50 से 80 साल 100 साल तक का लाइफ इसके पेड़ की होती है। ये देखिए, इसकी पहचान इसके फल से किया जा सकता है। ये जो फल है ये किसका शेप है, आप थोड़ा सा सोचिए और कमेंट में लिख सकते हैं, तो लिखिए उसमें, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको क्या चीज़ है। ऐसी एक फ्रूट होता है जिसको हम खाते हैं, खट्टा मीठा सा फल होता है, तो इससे पहचान कर ले। अगर पता लग गया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, वो होता है स्टार फ्रूट। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 रिब्स बनी हुई हैं, स्टार फ्रूट के ऊपर भी 5 रिब्स होती हैं, उससे कंपैरिजन इसका हम कर सकते हैं कि स्टार फ्रूट जैसा होता है वैसा ही इसका फल होता है पौधे में। और इस टाइम पूरा फल लगा हुआ मिलेगा जहाँ कहीं होगा, तो गवर्नमेंट ने भी इसके काफ़ी प्लांटेशन रोड साइड में कराई हुई है, तो वहाँ से आप इसकी छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि घर में लगाना और इतना बड़ा पेड़ होना तो छाल तो पॉसिबल नहीं होता, अगर घर में जिनकी कच्ची जगह है वो लोग लगा सकते हैं इसको, और इसके फल का भी कूट के इस्तेमाल हो सकता है। हमसे ज़्यादा पक्षियों को इसके बारे में बहुत पता है, पक्षी जो है इसकी गिरी, बादाम की तरह इसकी गिरी होती है और बहुत ही हार्ड होता है ये काटना, ये चाकू से देखेंगे काट के तो ये आपका कटेगा नहीं, बहुत हार्ड होता है ये, लेकिन फिर भी पक्षी जो है पकने के बाद इसका काट करके इसकी गिरी खाते हैं, तो वो देखिए पक्षी कभी बीमार नहीं पड़ते, सेहतमंद रहते हैं। तो ये रीज़न रहता है उनका कि तरह तरह की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो उनसे
अपना जो है इलाज देसी तरीके से कर लेते हैं और हम उनसे दूर हो गए हैं, जिस वजह से इतनी बीमारियों की चपेट में, इतनी परेशानियों की चपेट में आते हैं। तो इसकी पहचान के लिए सबसे बड़ा जो है फल का है, आप देखेंगे पेड़ पे फल लगा होगा, जब ये पकता है तो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का जो है फल इसका हो जाता है। अगर ऐसे टाइम में जाएं जब इसका कच्चा फल ना हो तो ब्लैक कलर का फल इसके पेड़ पे लगा हुआ रहेगा, तो इससे इसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो ये तो पहचान की बात हो गई, लगाने का तरीका बात करें तो इसके इस टाइम काले फल जो हैं गिरे हुए हैं पेड़ों के नीचे, उसको लेकर के आप जो है आसपास में लगा सकते हैं, प्लांटेशन की प्लांटेशन हो जाएगी और मेडिसिन का मेडिसिन मिलेगा। तो ये इसका आप ऐसा काम कर सकते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ इसको बस लगा देना है, इस बरसात के टाइम में 2-3 महीनों में ही इसका पौधा निकल के आ जाता है। तो ये दोस्तों ये आपने देख लिया, अब हमें क्या करना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहचान आपकी हो गई, अर्जुन का पौधा है ये, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन की छाली, अर्जुन का पौधा। तो अर्जुन से मतलब है जितना अर्जुन जो है बहुत ताकतवर और बहुत ही बड़ा धनुधर था, तो इसी तरह जो है ताकत का परिचय देते हुए ये पौधा भी जो है इतनी सारी हमारे शरीर की व्याधियों को निकाल करके और हमें फिट रखता है। अब लेने का तरीका क्या है, आपने छाल ले लिया, वैसे तो मार्केट में भी आपको ये अर्जुन का पाउडर जो छाल का पाउडर है या सूखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ फ्रेश होती है फ्रेश में बात ही कुछ और हो जाती है। फ्रेश के अंदर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू 100% आपको मिलेगा और सूख गया तो वो 50-40% रह जाता है, लेकिन जिनको नहीं अवेलेबल है तो वो फिर उससे भी काम चला सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर इससे भी नहीं तो होम्योपैथी में ट्रेमेंडस अर्जुना के नाम से इसका मदर टिंचर क्यों आता है, ट्रेमेंडस अर्जुना, तो वो भी आप तैयार लिक्विड लेकर के उसका 20 ड्रॉप एक गिलास पानी में सुबह सवेरे उठते ही आप ले लेंगे तो बिल्कुल आप वही काम करेगा, फिट रहेंगे। तो ये कई तरीके हैं, जिनको फ्रेश मिल जाए फ्रेश ले सकते हैं। देखिए लेना कितना है, अब सबसे बड़ी बात ये है डोज कितना होना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज भी किसी चीज़ का नुकसान करता है। तो ये ताज़ा जो आप ले रहे हैं ये देखिए, ये एक और ये दो, बस मात्र ये इतना पीस आपको, ये देखिए इतने इतने जब ने काट लिए हैं, ये इतना पीस आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतना लेना है। और लेना कैसे है देखिए, ये बताते हैं, ये आपने छोटे छोटे मामदस्ते घर में होते हैं, इसको हम प्रॉपर तरीके से इसको कूट लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे, अधकुटा नहीं, नहीं तो उसका जो न्यूट्रिशन है जो मेडिसिनल वैल्यू है वो पूरी आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने वैसे वीडियो भी दी थी लेकिन कुछ लोगों को जो है इसमें समझ नहीं आया, तो रिकमेंडेशन आ रही थी, मैंने कहा चलो लाइव में कर दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक ये जो नॉलेज पहुँच जाए और अपने आप को फिट रख सकें। जो 60-70 ईयर्स के हैं, बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज पर्सन्स हैं, उनको जो ये जोड़ों में दर्द है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करना, हाथ पैर कांपना, तो उस केस में जो है ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप सही डोज लेते हैं, तो जैसे मैंने छोटा सा डोज बताया उसका, तो उतना डोज आप ले सकते हैं। के दोबारा से इसको थोड़ा से कूट देंगे, पानी लो थोड़ा सा, तो इस तरह कूटने के बाद आपने क्या करना है, रात भर पानी में भिगो देना है। जैसे ये देखिए, मैंने अभी बड़ी मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, आधा घंटा भी नहीं हुआ है, ये देखिए जो हमने आधा घंटा पहले बोया था, देखिए कितना इसका कलर जो है एकदम डार्क होता चला जा रहा है। तो इसको हमने कूटने के बाद कुछ नहीं करना है, या तो रात को पानी में भिगो के रख देंगे तो सुबह तक जो है पूरा एक्सट्रैक्ट उसका निकल जाएगा, देखिए बिल्कुल कूट गया, अब इसमें हम डाल देंगे। पहली बात तो एक ही दिन सुबह खाली पेट आप पियेंगे तो उसी दिन शाम को आपको शाम तक जो है महसूस हो जाएगा कि आप कितने एनर्जेटिक, कितने फ्रेश महसूस करेंगे। देखिए इस तरह से आपको पानी में भिगो के छोड़ देना है, रात को अगर कूट के रख दें तो सुबह तक जो है बहुत बढ़िया ढक के रखें। लेकिन इसका गिलास जो है
आपने मेटल का कोई यूज़ नहीं करना है, कोई स्टील का मत यूज़ करिए, कोई एल्युमिनियम का नहीं, कोई पीतल का, कोई तांबे का नहीं, या तो आपका चीनी मिट्टी का हो या फिर ग्लास जो अपना कांच का है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि उसके साथ कोई रिएक्शन मेटल के साथ हमारा जो है करके कोई नुकसान वाली बात हमारे ना रहे। देखिए ये अभी आपके सामने कूट के किया है और ये पहले, दोनों के कलर में डिफरेंस, जैसे जैसे ये भीगेगा वैसे वैसे इसका न्यूट्रिशन मेडिसिनल वैल्यू जो है और कलर वो गाढ़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा सुबह तक और बिल्कुल फिट रहने के लिए अच्छा है। तो आप इतना जो है ये पी सकते हैं। जैसे देखिए मैं छान के आपको दिखा रहा हूँ, तो ये रेडी है बिल्कुल यूज़ करने के लिए और इसको हम पी सकते हैं सुबह सवेरे खाली पेट अगर लें तो ज़्यादा असर करता है, नहीं तो दूसरा टाइम जो है शाम को 4 बजे के बाद मतलब 2 बजे 1 बजे खाना खाया है तो उसको 4-5 बजे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर दोनों टाइम ज़्यादा दिक्कत है तो दोनों टाइम लें, नहीं तो एक टाइम ये बहुत है मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट, और ये बिल्कुल फिट रखने के लिए अच्छा मेडिसिन है। एक ही चीज़ से कई कई परेशानियाँ आपकी दूर हो सकती हैं। तो ये पौधे की पहचान एक बार ही अच्छे से देख लें, इसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लूँगा जिसकी जो डाउट्स होंगी। फल की पहचान कर लें, फल की पहचान जो है हमें स्टार फ्रूट से करनी है। स्टार फ्रूट लंबा होता है और ये थोड़ा सा छोटा है, छोटा इसलिए भी है कि अभी ये ताज़ा है, थोड़ा बड़ा होगा जैसे जैसे तो ये थोड़ा लंबाई में आ जाता है। तो इसका फल आपने इस तरह से देखना है, बिल्कुल उसमें गूदेदार होता है और ये जो पपड़ी सी है बिल्कुल ये देखिए इस तरह से, तो इसकी पहचान आपने कर लेनी है। और लगाने का समय है, पौधा उगाना है तो उगा सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं और आप क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अरे पाइप दूसरे वाला ले लो ना, वो जाता तुम्हें नहीं, मुंह खोल के खड़े हो तुम। हाँ अरे वहाँ पड़ा है यार, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको यहीं पे बाइंड अप कर देते हैं क्लास को।
रीना सिंह, गार्डन में ब्लैक कीड़ा आ गया, उसकी फ़ोटो भेजें व्हाट्सएप पे, देख लेंगे फिर उसका मेडिसिन बता देंगे। मनीष कुमार, लीफ लिक्विड फर्टिलाइज़र की क्लास भी लगाएंगे उसको, अभी लगवाने वाले थे लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से सब कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो आगे ले लेंगे। हाँ जी अलका जी, इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट ठीक रहता है, थोड़ा सा जैसे कच्चा कोई फल होता है, जैसे कच्चा केला खाते हैं आप, तो इस तरह से हो जाता है, इस तरह से थोड़ा सा टेस्ट आता है, बाकी टेस्ट में कोई ऐसा नहीं होता। टेस्ट ठीक रहता है, थोड़ा सा हल्का सा जीभ पे ऐसा लगता है कि जीभ जाम हो गई हो, कच्चा केला हो, इस तरह से, बाकी कोई ऐसी टेस्ट में कोई ख़राबी वाली बात नहीं, कड़वा नहीं होता कि इसको पिया नहीं जा सकता, सभी लोग पी सकते हैं इसको, और 40 ईयर से अबव वालों को तो ज़रूर लेना चाहिए। पाइप तो ग्रीन वाला लगता है, तुम्हें भी मालूम है, अभी तो वहाँ देखा ना तुमने। क्वेश्चन राशिज, सर मार्केट में बहुत फेक वेस्ट डिकम्पोजर मिल रहा है, ट्रस्ट नहीं होता, क्या आप मदर कल्चर प्रोवाइड करा सकते हैं सर प्लीज़? हमें प्रोवाइड कराने में कुछ कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका कॉस्ट नहीं आपसे लेते हैं, कॉस्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, लेकिन आपका जो कुरियर है, पैकिंग है, वो आपको देना होगा, हम वो तो आपको एक लीटर फ्री में दे देते हैं, वो दे देंगे, लेकिन कुरियर और पैकिंग चार्ज आपको देना है, वो आप व्हाट्सएप कर दें मिल जाएगा, जो हमने तैयार किया हुआ जिससे हम सारा काम करते हैं उसमें से दे देंगे आपको। नहीं इसमें हनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ऐसे ही पीना है तब असर करेगा, चीनी हनी मिलाने से तो बात अलग हो जाएगी। हाँ हनी चाहें तो थोड़ा बहुत आप डाल लें, टेस्ट अगर ऐसा लगता है तो आपको, अदरवाइज़ चीनी या कोई चीज़ मीठा और मत मिलाएं इसके अंदर। क्वेश्चन राशिद, वेलकम राशिद जी, अब देखिए कुछ ही देर में आप ये लिक्विड देखिए कि जो हमने ऐसे अभी किया था तो बिल्कुल फीका फीका लग रहा था, और ये ऑलमोस्ट जो है अब कलर दोनों का सेम होने जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे टाइमिंग इनका जो कलर है वो निचुड़ता चला जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट उसमें से करता रहता है, जैसे देखिए ये इसका जो हमने बचा हुआ है कुटा हुआ रखा है, इसमें से धीरे धीरे निकलता रहता है, इसीलिए है कि रात को कूट के रख देंगे और सुबह लेंगे तो उसका जो सारा वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, वो पूरी पूरी आपको मिल पाएगी। क्रिसेंथेमम में पिंचिंग की बात कर रहे हैं, क्रिसेंथेमम में पिंचिंग वैरायटी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो बड़ी वैरायटियां हैं उसकी पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़्यादा एक बार कर सकते हैं, और बाकी के लिए आप पिंचिंग कर सकते हैं, कई प्लांट ऐसे होते हैं, वैरायटी ऐसी हैं जिसकी 5 से 6 पिंचिंग आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जितनी जल्दी लगाएंगे तभी इतनी पिंचिंग हो पाएगी, और दिवाली तक फूल आने की बात है तो आपको जो है जून में लगा देना चाहिए, जुलाई जैसे अभी आधे से ज़्यादा निकल गया है तो अभी भी एज सून एज पॉसिबल लगाएंगे और उसका ध्यान देंगे तो आपका दिवाली तक फ्लावरिंग कर देगा। इसमें कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जो जल्दी फ्लावरिंग करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं लेट आती हैं, लेकिन पौधा ज़्यादा पिंचिंग के लिए पहले लगाना पड़ता है। गुरप्रीत सिंह, सर अब कौन सी सब्जी प्लांट लगा सकते हैं? सब्जी प्लांट के लिए अभी विंटर सीजन की लगेगी, जो कि हम 15 तारीख से सीड देंगे, और सितंबर से लगाइए जो विंटर सीजन की लगानी है, अभी मत लगाए, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, जर्मिनेशन हो जाएगा तो गर्मी से वो पौधे झुलस जाएंगे, मर जाएंगे आपके, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
महेश कपूर, सर अमरूद के फ्रूट में कीड़े पड़ रहे हैं। महेश जी, कीड़े पड़ना एक संभाविक सी बात है। इसके लिए आपको जब जनवरी फरवरी मार्च का महीना होता है उस टाइम आपको अमरूद के पौधे पे स्प्रे करना है फूल खिलने से पहले, ताकि कीड़े वगैरह जो अंडे दे जाते हैं वो आपके वहाँ पर ना हो, ना पड़ पाएँ। इससे क्या होगा कि आपके फल में कीड़ा नहीं आएगा। बाकी सर्दियों वाला जो अमरूद, उसमें कीड़ा नहीं आता, क्योंकि सर्दियों में ये सब एक्टिव नहीं होते हैं। और जिनका स्प्रे करना है वो प्रोफेक्स सुपर 3 ml पानी में आपको स्प्रे करना है। फरवरी मार्च में स्प्रे करिए, 15-15 दिन के गैप पे 2-3 स्प्रे कर देंगे तो आगे आने वाले टाइम में जो कीड़ा है वो आपके अमरूदों में नहीं पड़ेगा। आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और आप इसका जो आज मैंने बताई है जानकारी, इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को फिट रखेंगे और गार्डनिंग करेंगे। इस तरह से दोनों ही तरीक़ों से आप फिट रहेंगे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। जो कुछ होगा बाकी लोग जो हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे डालिए। व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। ये हुसैन राशि जी, ये फ्रूट प्लांट में मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं होता। एक पपीते में होता था, पपीते में भी, देसी पपीते में ऐसा होता था, एक मेल और एक फीमेल का रीज़न रहता था। लेकिन आजकल जो हाइब्रिड आ रहे हैं, जैसे रेड लेडी 786 है या कई और आ रहे हैं, तो इन पपीतों में कोई मेल फीमेल का ऐसा चक्कर नहीं होता है। एक ही पौधे के अंदर एक पौधा भी है तो आपके फल आएगा और ज़रूर आएगा। तो इसको लगाइए, इस वैरायटी को, रेड लेडी 786, बहुत अच्छी वैरायटी है ये। बाकी फलों के पौधे में मेल फीमेल फ्लावर के अंदर ही पार्ट होता है कि ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, तो उसका पोलन ग्रेन जो है फीमेल पार्ट से जब मिलता है तब जाके उसमें फ्रूटिंग में कन्वर्ट होता है जो उसका फूल है। अब घिया में मेल फीमेल पौधा एक ही होता है, लेकिन मेल फीमेल फ्लावर दो होते हैं जिसका पोलन ग्रेन से एक दूसरे को मिलाना पड़ता है तब घिया परफॉर्म होता है। वो जो हमारे मधुमक्खी हैं, तितली हैं, वो इस काम को बखूबी करते हैं। जहाँ पर नहीं हो तो हम हैंड पॉलिनेशन का सहारा उसके लिए ले सकते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने आजकल जो है सेल्फ पॉलिनेटेड सीड्स बना दिए हैं जो आप उगाएंगे, जैसे कि एक खीरा आता है हरे ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का, तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, पॉली हाउसेज में लगता है और वहाँ पे कोई मक्खी मच्छर नहीं जा सकते, लेकिन वो अपना सेल्फ पॉलिनेटेड होने की वजह से हर गांठ में हर फल जो है उसमें, हर फूल जो फल में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।